नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं तीर्थयात्रा ऑनलाइन। नव वर्ष यानी 2021 का आगमन हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गया है पिकनिक का सिलसिला। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक पिकनिक स्पॉट जिसका नाम है तोपचांची झील। मेरी यात्रा की शुरुआत शिखर जी से होती है, पर मैं डुमरी मोड़ न जाकर शॉर्टकट लेते हुए उस जगह पर जीटी रोड पकड़ता हूँ जहाँ रेलवे लाइन व जीटी रोड एक दूसरे से मिलते हैं। पर यहाँ पहुँचने से पहले हमारी मुलाकात एक मालगाड़ी से होती है जो अपने लय व गति से अपने गंतव्य की ओर जा रही होती है। यह नज़ारा काफ़ी शानदार है। हालांकि रोड खराब होने के कारण बाइक की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, न कि मालगाड़ी की। यह जीटी रोड है और मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वह पूरब है यानी कोलकाता की ओर। मुझे लगभग और 17 किलोमीटर चलना होगा। जिस दिशा से मैं जा रहा हूं, अगर आप भी उसी दिशा से जा रहे हैं तो आपको तोपचांची से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही रुकना होगा। वहां से एक दूसरा रास्ता निकलता है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा वाला रास्ता होगा। आपको इस रास्ते से जाना है। अगर वहीं आप विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो आपको तोपचांची क्रॉस करना होगा। और यह रास्ता थोड़ी सी यह जो सड़क है यह थोड़ी ख़राब है, जिसका परिणाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह जो क्लिप है मैंने इस वीडियो में इसलिए ऐड किया है ताकि आप इन सुंदर नज़ारों को का आनंद ले सकें। ये नज़ारे काफ़ी आकर्षक व नयनाभिराम है। दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष, जंगल, जो आगंतुकों को काफ़ी लुभाते हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस रास्ते में लगभग 50 मीटर आगे बढ़ते हैं तो एक बैरियर मिलता है जहाँ आपको रोका जाता है और शुल्क लिया जाता है आपसे यहाँ प्रवेश करने के लिए। यह शुल्क शायद 5 या 10 रुपये हैं। वाहनों पर डिपेंड करता है, छोटे वाहन से आते हैं या बड़े वाहन से आते हैं। और अब करीब आ रहा है डैम, और जैसे जैसे करीब आता है आप अनुमान लगाने लगते हैं कि कितना सुंदर होगा वह स्थल। अब शायद यहाँ से डैम दिखने लगे, अब तक तो दिख नहीं रहा। और ये रहा सामने विशाल जलराशि, यानी हम आ चुके हैं ये सामने डैम। और यह रहा डैम का गेट। यहाँ आपको कई चूंकि जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा था धूप तो खिली थी लेकिन कोहरा छाया हुआ था, कुहासा था। यही वजह है कि यह वीडियो स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। और आपको किनारे किनारे कई लोग मिल जाएंगे जो या तो सेल्फी ले रहे होंगे, वीडियो कैप्चर कर रहे होंगे या फिर तस्वीर ले रहे होंगे। और यह एक पिकनिक स्थल है, तो यहाँ के स्थानीय निवासियों की माने तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक सैलानियों की भीड़ होती है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुँचते हैं।
और अगर आपने भी अब तक पिकनिक नहीं मनाया है तो आप इस स्थल का चयन कर सकते हैं अपने वनभोज के लिए, ये वनभोज की योजना के लिए। यह स्थल झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है और धनबाद जिला मुख्यालय से इस स्थल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। खूबसूरत वादियों के बीच स्थित इस स्थल में न केवल नैनाभिराम नज़ारे हैं बल्कि यहाँ की शांति भी आपको अद्वितीय अनुभव देगी। शांति भंग होती है तो केवल साइबेरियन बर्ड के कोलाहल से, और इन विदेशी मेहमानों की अटखेलियाँ आगंतुकों को काफ़ी लुभाता है। हालांकि मैं साइबेरियन बर्ड आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ इस कोहरा के कारण, और उस दूसरे किनारे पर अभी पक्षियों का जो एक झुंड है वह विचरण कर रहा है। तो यह था तोपचाची झील पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।